हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आज आ गए एक बहुत बड़ा फिश फार्म विजिट करने के लिए। आज आ गए कलकत्ता में न्यू बैरकपुर, ये एग्जैक्ट लोकेशन है। तो मॉडर्न पेट्स फार्म में आ गए, तो अभी अंदर जाके आप लोगों को कलेक्शन दिखाऊंगा और जो दादा है उनका साथ बातचीत कर लूँगा। ओके, ये भी स्काई देखिए पूरा रेड, ये तो बहुत सारे है ना दादा। तो दोस्तों, फार्म का अंदर में मैं आ गए, तो अभी सारे के सारे जो भी कलेक्शन उन लोगों का पास है सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगा। तो देखते रहिए आप लोग ये वीडियो, ठीक है। ये भी सिल्वर अरवाना है 6 इंच का, देखिए बहुत बढ़िया। देख रहे हैं ये वाला मछली का फूड, ये दादा तो इसीलिए इसका नाम है दोस्तों। उन लोगों का एलिगेटर गाय, ठीक है। इस बार देखिए वाओ, नस कैटफिश, ये देखिए, ये देखिए। ओके, 4 इंच हो जाएगा। गरा रूपा। अच्छा, मस्टर्ड वैरायटी जो पसंद करते हैं उन लोग। तो दोस्तों, मॉडर्न पेट सेंटर में आ गए, ठीक है। तो इधर तो बहुत सारे कलेक्शन है, 250 से 300 तक एक्वेरियम टैंक है, ठीक है इधर। और जो सूरजिद्दा जो है, सूरजिद्दा बोलेंगे इधर का जो एड्रेस बताएंगे, ठीक है। एक बहुत बड़ा फार्म भी बोल सकते हैं, एक्जॉटिक एक्वेरियम फिश फार्म। इधर से एक्सपोर्ट होते हैं बाहर कंट्री में, ठीक है। और सिर्फ होलसेल में मिलेगा मछली, जो भी मछली चाहिए होलसेल में मिल जाएगा, चीपेस्ट प्राइस क्वालिटी वाला मछली। और एड्रेस पूछ लेते हैं, एड्रेस बताइए। 117/A भोजपाड़ा सेकेंड लेन, कोलकाता 133, आपका नियर सुकांत नगर बस स्टॉप या आरबीटी कॉलेज बस स्टॉप। अच्छा, और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन? न्यू बैरकपुर स्टेशन। ये है एकदम प्रॉपर एड्रेस। लैंडमार्क कुछ है अगर कोई बोलेंगे कि लैंडमार्क बताइए? किड्स स्कूल ए लैंडमार्क है। सब कुछ मैं डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप लोगों का कोई असुविधा नहीं होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग कलेक्शन देख लेते हैं, ये लोग देख लेते हैं। ये देखिए रेड पैरोट हार्ट शेप, नॉर्मल। अच्छा, नॉर्मल वाला रेड पैरोट देखिए, वाओ कलर देखिए आप लोग, क्या बढ़िया लग रहा है देखिए। और उठा के दिखाइए। ओके, ये भी 7 से 8 सीम वाला है। ये भी 7 से 8। प्राइस नहीं मेंशन होगा, राइट? प्राइस नहीं मेंशन होगा ताकि प्रॉब्लम के लिए। इधर से होलसेल काउंटर है इसीलिए प्राइस नहीं मेंशन होगा दोस्तों। ये भी रेड पैरोट, ये भी रेड पैरोट है। ये भी दोस्तों रेड पैरोट देखिए, एकदम ब्राइट कलर का, ये देखिए पूरा रेड। इसको खाना वगैरह क्या कुछ खिलाते हैं तो ना? हाँ, पैरोट को खिलाते हैं हम लोग। पैरोट फूड, अच्छा फूड है आखिरी का। ओके, तो छोड़ दीजिए। योलो, ये देखिए इधर है दोस्तों योलो पैरोट फिश। ये देखिए
क्वालिटी देखिए एक बार पैरट का। वाओ, ये भी 7-8 सेंटीमीटर है, ये भी 7 से 8 सेंटीमीटर का है। ठीक है, ये देखिए कलर देखिए, एकदम प्रोमिनेंट कलर है सारे के सारे पैरट का। ये देखिए वाओ, उसका बाद पैरट पीसेस इधर है बहुत सारे। इसी वाला जो टैंक देख रहे हैं अभी, जो 4 का टैंक है इधर नीच में, 4 टैंक है। तो अभी पैरट का कलेक्शन हम लोग देख लेंगे दोस्तों। ये आपका ये ऑरेंज कलर, ये कौन सा कलर का? ऑरेंज पैरट, ऑरेंज पैरट। ये देखिए बहुत सुंदर सुंदर। ये इंच क्या है आपका? 7-8 इंच है। 7 से 8 इंच, सीएम सेंटीमीटर का, 7 से 8 सेंटीमीटर का। ये देखिए इधर तो बहुत सारे है ना दादा, बहुत सारे है। तो ठीक है, तो अभी जो आरोना देख रहे हैं, ये है 6 इंच का मछली, 6 इंच का मछली सुरजीत का बोल रहा है। ये देखिए, ये भी सिल्वर आरोना है, 6 इंच का सिल्वर आरोना फिश। ये देखिए इसी में भी सेम 6 इंच का मछली है, इसी में भी सेम 6 इंच का। ये देखिए वाओ, ये भी सेलिंग के लिए है। अरोना का फुट तो बोल ही तो दिया है, मिल जाएगा, मिल जाएगा। ओके, तो दोस्तों अभी आ गए एकदम टॉप फ्लोर में। टॉप फ्लोर में बहुत सारे एक्वेरियम फिशेस है, अभी वो सब कलेक्शन हम लोग देख लेंगे। अच्छा ये बात बताइए, जो लोग होलसेल में लेंगे कितना पीसेस लेना पड़ेगा अगर कोई होलसेल में लेंगे तो? आपका तो होलसेल का ही तो काउंटर है। हाँ, हाँ, कितना? 50 से 100 तक, 50 से 100 तक, मिनिमम 50, मिनिमम 50, 50 और 100 मिनिमम। अच्छा, ये मछली के ऊपर डिपेंड करेगा, मछली के ऊपर डिपेंड करेगा, और मैक्सिमम जो भी देंगे जी जितना लेंगे उतना। अच्छा, तो हम लोग कलेक्शन देख लेते हैं इधर से। ठीक है, इधर देखिए, इधर मछली का नाम बताइए एक बार। ये आपका पी सारा बार्फ है, पी सारा बार्फ, पी सारा बार्फ। अच्छा, फ्रेश वाटर का है, फ्रेश वाटर का है ना। ये देखिए पी सारा बार्फ, ये सर लगभग इंच क्या हो जाएगा ये आपका? 3 से 3.5 इंच हो जाएगा, 3 से 3.5 इंच। थोड़ा ज़्यादा करके दिखाइए, बहुत फास्ट देखिए। ये आपका 4 इंच हो जाएगा, 4 इंच हो जाएगा, 4 इंच हो जाएगा। ये आपका 3.5 इंच भी है, ये नॉर्मल मतलब ये वाइल्ड फिश है क्या? वाइल्ड फिश है, वाइल्ड फिश है। ये देखिए आपका 2.5 से 3 इंच हो जाएगा, 2.5 से 3 इंच। ये आपका 4 इंच हो जाएगा, सब मिला के है, सब मिला के है ना। ये इसी टैंक में है, इसी टैंक में है। ये हम लोग इसमें कौन सा मछली है? रानी लोच है इसमें, क्वीन लोच, क्वीन लोच, क्वीन लोच इसमें है दोस्तों, क्वीन लोच। देख लेते हैं हम लोग कलेक्शन। ये देखिए वाओ, अरे बाप रे कितना बढ़िया कलेक्शन देखिए। ये भी 3 से 3.5 इंच हो जाएगा, 3 से 3.5 इंच, थोड़ा थोड़ा बड़ा भी है, 4 इंच का है। वाओ देखिए कलेक्शन बोले तो बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। आप लोग क्वारंटाइन करके रखते हैं सब? सारे क्वारंटाइन करके रखते हैं। ये देखिए ठंडे का मौसम में भी मछली एक्टिव, देखिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। छड़ में ना है, देखिए तो इधर देखिए, इधर जो मछली है इधर सारे के सारे डॉक्टर फिश, डॉक्टर फिश है, डॉक्टर फिश है। ये देखिए पाइप का अंदर में था, अभी हम लोग इसका कलेक्शन दोस्तों देख लेंगे। आपको डॉक्टर भी देखते रहे, डॉक्टर, डॉक्टर फिश है। हाँ, 3 से 4 इंच होगा, 3 से 4 इंच का मछली देखिए, ये डॉक्टर फिश, इसको थेरापी फिश भी बोलते हैं, और भी एक नाम है ना सुरीत, और भी नाम है। ये देखिए गरा रूपा। अच्छा, कितना बढ़िया कलेक्शन है देखिए, इसका बॉडी ग्लेज देखिए कितने एनहेंस कर रहा है, तो 4 इंच हो जाएगा, 4 इंच हो जाएगा, करीबन 4 से 3 इंच ऐसा ही मछली मिला जुला के। ये देखिए फिर से, ओके सुरीत छोड़ दीजिए। इधर देखिए, इधर है दोस्तों इम्पोर्टेड कोई, जापानीज कोई, ओके इधर देखिए जापानीज कोई का टैंक है, अभी हम लोग कलेक्शन देख लेते हैं। जो भी मछली दिखा रहा है आप सब सेलिंग के लिए तो ना, सब सेलिंग के लिए मछली है। ये देखिए
आपका स्वाद आई कलर जापानीज को, ये देखिए जापानीज को, ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, देखिए काला देखिए इसका खादार देखिए एक बार, वाओ। ओके छोड़ दीजिए, और भी है इसमें, देखिए उधर चला गया। इधर हम लोग जो कलेक्शन देख लेंगे दोस्तों, इसमें है रेड टेल लोच, ये वाला टैंक में, वाओ ये देखिए रेड टेल लोच, इसका पेन देखिए एक बार रेड है, तो इसीलिए इसका नाम है दोस्तों रेड टेल लोच। ये तो अभी अभी छोटा है ना, छोटा है, छोटा है, एक छोटा है, जुबेनाइल है, एडल्ट होने में कितना दिन लग जाएगा, एडल्ट होने में इधर देखिए दोस्तों, इधर जो मछली दिखा रहा है अभी इसी टैंक में था, ये वाला है फीडिंग अक्ती जो आप लोग ढूंढते हैं ऑल टाइम, आरोना बड़ा बड़ा जो मॉन्स्टर मछली, ये सब मछली को खिलाने के लिए एक अप्पी मिल जाएगा ए फार्म से, अवेलेबल है ऑल टाइम, ऑल टाइम अवेलेबल है ना, ऑल टाइम अवेलेबल है। और फिर से उठा के दिखाइए, ये देखिए अगर कोई 10,000-20,000 चाहेगा तो मिल जाएगा, मिल जाएगा दोस्तों, ऐसा कोई बात नहीं है नहीं मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो ठीक है दादा छोड़ दीजिए, देख लेते हैं दोस्तों, इधर देख लेते हैं, इधर गप्पी का कलेक्शन फीमेल है, इधर मोजाइक गप्पी का फीमेल, ये देखिए सारे के सारे फीमेल गप्पी से, ये देखिए बहुत बढ़िया, ये देखिए अभी लोडेड भी होगा ये कुछ कुछ मछली इसमें, ये देखिए लोडेड मछली है इधर, ऑफिस छोटा के दिखाइए दादा सुनील दा, ये देखिए इस बार देखिए ये भी अवेलेबल है, जो भी चाहिए मिल जाएगा दोस्तों। इधर जो कलेक्शन है इसका नाम बताइए एक बार, लुमिनस पैरोट, लुमिनस पैरोट, ये देखिए इसमें है दोस्तों लुमिनस पैरोट, ये बहुत ही यूनिक कलेक्शन है, मैं कभी भी किसी को पास नहीं देखा है ये सब मछली, ये सारे के सारे दोस्तों सेलिंग के लिए है। और अभी ये इंच क्या है सुरेश ना, ये आपका 5-6 cm, अच्छा मतलब ये 2-3 inch, 2-3 inch का, 2-3 inch का मछली दोस्तों, बहुत ही यूनिक कलेक्शन है, आप लोग देखिए एक बार, लुमिनस पैरोट बोला है ना, लुमिनस पैरोट, ये देखिए इसका मतलब खाना वगैरह तो पैरोट फिश, पैरोट फूड खिलाते हैं, हमारा खुद का जो आक्रिया का ब्रांड है, ब्रांड है उसका खाना खिलाते हैं, वही खिलाते हैं हम। अच्छा ये तो अभी तो छोटा है, बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा दोस्तों, कितना तक हो जाएगा मतलब लगभग आपको मालूम है, आपका 18-20 cm हो जाएगा, अच्छा 20 cm जब बड़ा होगा 20 cm हो जाएगा। ओके जो टैंक देख रहे हैं दोस्तों इसमें है एलिफेंट नोस, ठीक है इसका अंदर में घुस गया अभी, तो अभी इसका कलेक्शन हम लोग देख लेंगे। ये देखिए अभी बाहर आ गया, इतने सारे एलिफेंट नोस है, ठीक है ये देखिए इसका इंच बताइए एक बार सुरेश दा, 4.5 inch, 4.5 inch से दोस्तों 5 inch तक ये मछली का साइज है, ये बहुत ही एग्जॉटिक मछली है, ठीक है। और इसका तो फुट तो आप लोगों का पता चलेगा, ये वाला जो मछली देख रहे हैं, ये वाला मछली का फूड मॉडर्न पेट सेंटर में अवेलेबल है, रेड पाइक, ये भी एग्जॉटिक मछली है, तो ये मछली मॉन्स्टर वैरायटी के अंदर में पड़ते हैं, रेड पाइक फिश। और इसका इंच क्या है, आपका 10-12 inch हो जाएगा, 10-12 inch हो जाएगा, ये 10 inch का मछली एकदम सही बोला है, देखिए ये भी देखिए वाओ, इस बार देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ये मछली, रेड पाइक फिश, ये एडल्ट हो गया ना, एडल्ट एडल्ट है ना, ये देखिए एडल्ट फिश है, बहुत बढ़िया लग रहा है, ये भी तो सेलिंग के लिए है ना सुरेश, सब सेलिंग के लिए है, ये भी दोस्तों सेलिंग के लिए है, जो मॉन्स्टर वैरायटी जो पसंद करते हैं उन लोगों के लिए है ये मछली। ओके ये देखिए ये भी एडल्ट है, बहुत बढ़िया लग रहा है, देखिए मछली का नाम बताइए सुरेश दा, 6 band distichodus, अच्छा 6 inch का है, तो 6 inch का है, तो और मॉन्स्टर, अच्छा मॉन्स्टर मछली है, ये देखिए ये देखिए सारे के सारे फिश अवेलेबल है ना, अवेलेबल है, अवेलेबल है, वो देखिए बहुत ही अच्छा। और अगर कोई देखेंगे बोलेंगे कि ये टाइगर मछली है, टाइगर नहीं है, दिखता है, हाँ
ये देखिए, ओके ये देखिए दोस्तों, और एक बढ़िया कलेक्शन देखिए, इसका नाम है टाइगर नास कैटफिश। ये देखिए 3 इंच हो जाएगा, 3 इंच हो जाएगा सर, 3 इंच हो जाएगा। और ये अवेलेबल है ना? अवेलेबल है मिल जाएगा। 10 इंच का मछली देखिए, ये भी मॉन्स्टर फिश है, ये भी दोस्तों मॉन्स्टर फिश है। और ऑल टाइम क्या पंप चलते हैं ना? ऑल टाइम पंप चलना पड़ेगा, फिल्टर वगैरह सब का देना पड़ेगा ऑल टाइम। अच्छा ये देखिए, अभी कितना पीसेस है इधर? 8-10 पीस, 8-10 पीस हो जाएगा। ये हाइडिंग प्लेस देना ही पड़ेगा ना? हाइडिंग प्लेस इन लोगों को देना ही पड़ेगा। इसका भी तो खाना मिल जाएगा आप लोगों को, जो जो फिश देख रहे हैं इधर, हाँ जो जो फिश आप लोग देख रहे हैं पूरा फिश का फूड मिल जाएगा हमारे, सब हमारा खुद का ब्रांड है अकीदा का। आप लोगों का खुद का ब्रांड है, खुद का मैन्युफैक्चरर भी है आप लोग। ओके आप जितना फिश देख रहा है पूरा फिश का फूड मिल जाएगा। अच्छा बढ़िया कलेक्शन है। सुरेश बताइए इसका नाम? बैलून गोल्डन टिम्पल बार है इसका, बैलून गोल्डन टिम्पल बार। ये देखिए बढ़िया कलेक्शन, ये देखिए इतना सुंदर सुंदर मछली ये फार्म में मिलते हैं, इसीलिए ये फार्म विजिट किया है। उन लोगों का वेबसाइट भी है तो ना आप लोगों का? हाँ। अच्छा वेबसाइट भी है उन लोगों का, वेबसाइट में सब कुछ डिटेल्स वगैरह उन लोगों को मिल जाएगा। ये सारे का सारे इंच क्या है पता है? आपका 4-5 इंच का। ओके दादा, ये है रेड स्पॉटेड एलिगेटर गार, ठीक है। इसका जो इंच क्या है? 8-10 इंच हो जाएगा, 8-10 इंच तक। ये देखिए ये है एलिगेटर का, हर किस्म का आइटम मिल जाएगा ना? हर किस्म का मिल जाएगा, मिल जाएगा हर किस्म का आइटम एलिगेटर का ऊपर दोस्तों उन लोगों का पास मिल जाएगा। ये देखिए ये अभी एडल्ट पूरा का पूरा नहीं हुआ है, ये अभी जुबिनाइल तक है, एक ये भी मॉन्स्टर वैरायटी में पड़ते हैं, आप सब लोग जानते हैं ये भी एक मॉन्स्टर फिश है। ओके तो दोस्तों आप सभी लोग देखे बहुत सारे एक्वेरियम मछली का कलेक्शन। ये वीडियो मेरे को दोनों पार्ट में करना पड़ेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2, बहुत बड़ा वीडियो हो गया, ठीक है। पार्ट 1 आगे आएगा, पार्ट 2 बाद में आएगा, वो तो आप लोगों को पता ही है। तो दादा व्यूअर्स का बारे में कुछ बोलना चाहते हैं तो दादा बताइए कुछ व्यूअर्स के बारे में। बस आप लोग का जो पसंद आएगा तो आप इधर आके ले भी सकते हैं या देख भी सकते हैं। जो आने के बाद जो आपको लेना पड़ेगा वही कोई बात नहीं, बात नहीं है। आप देखने से आपको चॉइस होगा तो आप लेके ले सकते हैं। हाँ, और अदर स्टेट में तो कंट्री में भी तो मिल जाएगा, अदर्स कंट्री और अदर स्टेट में दोस्तों डिलीवरी पॉसिबल है, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो बस इतना ही था, और ये वीडियो देख के अगर पसंद आएगा तो एक लाइक कीजिए और एक कमेंट कीजिए, ताकि कमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, राइट? कमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो भी आप लोगों को चाहिए उन लोगों को कॉन्टैक्ट कीजिए, वेबसाइट है, तो आप लोग आइए ऑर्डर कीजिए और इन लोगों का साथ डीलिंग्स कीजिए, ठीक है। ओनली फॉर होलसेल रेट में, रिटेल में नहीं मिलेगा, राइट? रिटेल में नहीं मिलेगा, रिटेल में दोस्तों 1 पीस 2 पीस नहीं मिलेगा, इसीलिए मेरे को क्षमा कीजिए, ऑनली होलसेल फार्म है। तो आज के लिए वीडियो बस इतना ही था, आप लोग स्वस्थ रहिए और सब्सक्राइब करके रखिए आकाश ब्लॉग एंड पेट्स यूट्यूब चैनल। आप लोग मेरा फैमिली है और आप लोगों का जो फैमिली है उन लोगों को ख्याल रखिए, और आप स्वस्थ रहिए दादा सुरेश दा। तो आज के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।